हमने गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश कर लिया है। इस अध्याय में परमात्मा ने अपने एवं सभी मनुष्यात्माओं के गुणों एवं शक्तियों की विस्तृत रूप से जानकारी दी है। हम देहभान तथा देही अभिमानी स्थिति में कई अकर्म विकर्म एवं सुकर्म करते हैं। यह कर्म कैसे होते हैं, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। अध्यात्म हमें आत्मा की ओर ले चलता है और हमारा संबंध परमात्मा से जुड़वा देता है। आज सारा संसार भौतिकता के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता मानव मात्र के लिए वरदान है, लेकिन काम केवल इसको पढ़ने से, इसका पाठ करने से ही नहीं चल जाएगा। काम चलेगा इन बातों को अपने जीवन में धारण करने से। तो श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। हम सभी आत्माएं हैं, ये भूलकर जब हम स्वयं को देह मान बैठते हैं तो हमारा देहभान बढ़ने लगता है। देहभान से मनोविकार बढ़ते हैं, क्योंकि देह का निर्माण प्रकृति से हुआ है और इस समय प्रकृति संपूर्ण रूप से तमोप्रधान है। इसलिए तमोप्रधान प्रकृति से निर्मित देह में विकारों का उद्वेग आसानी से हो जाता है। हमारे चारों ओर भी जो वातावरण है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, वो भी मनोविकारों से ही भरपूर हैं। इसलिए कलयुग के इस कलिकाल में कोई मनुष्य तब तक पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकता जब तक उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त न हो। हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा इस शरीर में भ्रकुटियों के बीच मस्तिष्क के अंदर बैठती है। आत्मा के वाइब्रेशन सारे शरीर में फैलते हैं। एक श्लोक में आ गया है इसी अध्याय में कि जैसे सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ये आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी शरीर को प्रकाशित कर रही है। अर्थात आत्मा का जो सूक्ष्म प्रकाश है वो सारे शरीर में ही फैलता जा रहा है, व्याप्त रहता है। इस कारण ये शरीर भी चेतन जैसा प्रतीत होता है। तो हम सभी आत्माएं हैं। इस स्वरूप में हमें स्वयं को स्थित करना है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हमें मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे ही हम बार बार इस फीलिंग में आते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, वैसे वैसे ही आत्मा के मूल गुण पवित्रता, उसके मूल संस्कार प्रकट होने लगते हैं और देह से उत्पन्न जो मनोविकार हैं वो समाप्त होने लगते हैं। ठीक ऐसे ही, क्योंकि इस देह में ही सारी कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां मनुष्य आत्मा को अपने वश में कर लेती हैं, क्योंकि देह भान के कारण आत्मा जैसे शरीर में आसक्त हो गई है, उसमें लिप्त हो गई है। उसको ये लगता है मैं यही हूँ, ये शरीर ही हूँ। लेकिन जब आत्मा स्वयं को अलग कर लेती है, अशरीरीपन का अभ्यास करती है, जब उसे ये अवेयरनेस रहने लगती है कि मैं इस देह से अलग हूँ, तो कर्मेंद्रियों की आसक्तियाँ, कर्मेंद्रियों के भोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में ज्ञानी आत्मा का लक्षण भी यही है कि उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शांत हो गया हो। संसार की आसक्तियां, तृष्णाएं उससे छूट गई हों। धन, पुत्र, स्त्री, परिवार आदि में जो बहुत आसक्ति रहती है, उनके प्रति ही जो मनुष्य अपने कर्तव्य करता है, उनके प्रति ही जो मनुष्य के मन में रात दिन चिंतन रहता है, उससे वो बाहर निकल गया हो, कर्तव्य करते हुए भी उसे अकर्तापन का भान रहा हो, जिसकी चर्चा गीता में अनेक जगह आ गई है कि वास्तव में ये आत्मा अकर्ता है। इसको अच्छी तरह समझ लेना है। कर्म तो आत्मा ही कर रही है शरीर में बैठकर,
कर्म अर्थात आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कुछ एक्ट करती है उसे कर्म कहा जाता है। परंतु ये योगियों की स्थिति है कि वो कर्म करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ऐसा महसूस करे कि मानो वो कुछ नहीं करता, सब परमात्म शक्तियों के द्वारा ही हो रहा है, वो तो केवल निमित्त मात्र है। ये योग युक्त आत्मा का लक्षण है कि उसमें इस तरह अभ्यास करते करते ये मैंपन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। परमात्मा की भी बहुत सुंदर चर्चा इसी अध्याय में आ गई है। बहुत सुंदर शब्द बोला है कि परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है, परम ज्योति है, अर्थात उसका स्वरूप ही ज्योति स्वरूप है। ये अलौकिक ज्योति है, ये ऐसी ज्योति नहीं जैसी मोमबत्ती की ज्योति होती है या दीपक की ज्योति होती है, ये ज्योति नहीं, एक अलौकिक ज्योति, ज्योति सूक्ष्म है, जो अभौतिक है, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हम आत्माएँ भी ज्योति हैं और वो ज्योतियों की ज्योति अर्थात परम ज्योति है, सुप्रीम लाइट है, ये उसका स्वरूप है, अति सूक्ष्म, जिससे चार ओर प्रकाश की किरणें फैलती हैं, एनर्जी प्रवाहित होती है, शांति फैलती है, प्योरिटी फैलती है, जिससे शक्तियों का चारों ओर शक्तियों के प्रकंपन फैलते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा की स्थिति वास्तव में ही ब्रह्म लोक में है, इसकी चर्चा आगे भी आएगी। ब्रह्म लोक से ही आत्माएं भी संसार में आई हैं। हमें जानना चाहिए इन तीन लोकों के बारे में। ये संसार स्थूल लोक कहलाया जाता है, जिसमें मनुष्य आत्मा ये प्रकृति का शरीर लेकर पार्ट प्ले कर रही है। इस संसार में परमात्मा का पार्ट नहीं, आत्मा जिसको पुरुष कहा गया है और प्रकृति, दोनों का मिलन होता है, दोनों के मिलन से ये संसार बनता है। तो ये संसार स्थूल लोक है, इससे परे आकाश के भी परे, सूर्य चांद तारों सभी ग्रहों के भी पार सूक्ष्म लोक है, जहाँ पर सूक्ष्म फरिश्ते रहते हैं। एक मनुष्य आत्मा जब साधनाओं के द्वारा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तब वो वहाँ पहुँच जाती है। उसके भी परे मुक्ति धाम है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसका एक नाम परम धाम भी है। वास्तव में वही आत्माओं का और परमात्मा का धाम है। ब्रह्मलोक में ही परमात्मा की स्थिति है, वहाँ से ही सब आत्माएँ नीचे आती हैं, वहाँ से ही परमात्मा भी संसार में अपने दिव्य कार्य करने के लिए आते हैं। तो परमात्मा एक महाज्योति है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे निरंतर वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो शांति का सागर है, अथाह शांति फैलती है उससे। अब विचार करें, यदि वो यहीं होता तो उसकी कितनी शांति संसार में फैली होती। यदि वो हमारे अंदर ही होता तो हमारा चित्त कितना शांत होता, जिसकी याद से ही मनुष्य का मन शांत हो जाता है। यदि वो स्वयं हमारे हृदय में बैठा होता तो कितनी शांति होती हमारे जीवन में। परंतु भगवान ने बार बार जो कहा है, मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ, इसका अर्थ है कि सबके दिल में उसकी याद समाई हुई है। हम किसी मनुष्य के लिए भी कह देते हैं ना, जिससे हमारा बहुत प्यार होता है, माँ अपने बच्चों के लिए भी सोचती है, मेरे बच्चे तो मेरे दिल में समाये हुए हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि वो दिल में बैठे होते हैं, ये प्यार की अभिव्यक्ति का एक तरीका है। तो परमात्मा का मूल निवास स्थान तो वास्तव में ब्रह्मलोक ही है, वहीं उससे हमें योग लगाना होता है, वहीं उसके स्वरूप पर हमें स्वयं को स्थिर करना होता है। यदि उसका कोई रूप ही न होता, यदि वो वायु और प्रकाश और हवा की तरह सबके सब जगह फैला होता, तो उसके स्वरूप पर मनुष्य कैसे एकाग्र हो सकता, योगी कैसे उसके स्वरूप पर अपने चित्त को लगाते। परमात्मा के बारे में इन्हीं श्लोकों में कहा है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा वो अपने तीनों दिव्य कार्य कराता है। वास्तव में परमात्मा को इसलिए त्रिमूर्ति भी कहते हैं, अर्थात वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी रचने वाला है। यहाँ हमें स्पष्ट जान लेना चाहिए, केवल भावना में रहने की बात नहीं,
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी परमात्मा की रचना है, परमात्मा नहीं। कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं होता है। जिसको देह है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, ऐसे शरीरधारी किसी भी व्यक्ति को, सत्ता को परमात्मा कदापि नहीं कहा जा सकता। परमात्मा तो निराकार है, अर्थात ज्योति स्वरूप है। निराकार उसको इसलिए कहा जाता है कि उसको किसी भी तरह का शरीर नहीं होता। मन बुद्धि और संस्कार तो उसमें होते ही हैं, आत्मा भी वो में भी ये तीनों शक्तियाँ होती हैं, लेकिन है वो देह से परे, जन्म मरण से परे है, सदा मुक्त है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो नई सृष्टि की स्थापना कराता है, शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश करा देता है और विष्णु के द्वारा पालना कराता है। इन तीनों कर्तव्यों में भी बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वो स्थापना करता है। स्थापना का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा ने बैठकर एक एक चीज को क्रिएट किया है। उसने पौधे बनाए, उसने वृक्ष बनाए, उसने धरती बनाई, उसने हवा और अग्नि बनाई, उसने सूरज चांद तारे बनाए, उसने मनुष्य को बनाया, उसने हर फूल पत्ती को बनाया, पशु पक्षी जानवरों को बनाया, ऐसा नहीं है। ये संसार तो सदा ही है, इसमें केवल परिवर्तन होता है। ये सतो प्रधान से तमो प्रधान में आता है और जब ये सृष्टि चक्र सतयुग से घूमता घूमता कलयुग के अंत में आ जाता है, तब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की स्थापना करते हैं और कलयुगी पापमयी, जो बहुत भ्रष्ट और तमोप्रधान दुनिया हो जाती है, उसका ब्रह्म शंकर के द्वारा महाविनाश करा देते हैं। और जब सतयुगी संसार में स्थापित हो जाता है तो उसकी राजसत्ता वो सौंप देते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के हाथ में, जिनको विष्णु स्वरूप कहा जाता है, वो इस संसार की पालना करते हैं। तो इन तीनों महान कर्तव्यों का भी बहुत ही अलौकिक अर्थ है। ऐसे नहीं हर व्यक्ति को भगवान पालता है या हर चीज का संहार भगवान कराता है, मृत्यु भी भगवान कराता है, ये सब कार्य उसके नहीं हैं। कुछ कार्य संसार में ऑटोमेटिक चलते हैं, बड़े नेचुरल रूप से चलते हैं, आत्माओं के कर्मों के आधार से। आत्मा का संबंध प्रकृति से होता है, जिससे उसे शरीर मिलता है। तो कर्म, आत्मा और प्रकृति, इनके मिलन से ही संसार चलता है। परमात्मा का कार्य तो केवल कर्म का फल प्रदान करना है, कर्म के लिए ज्ञान देना है, लेकिन मनुष्य आत्मा स्वयं में स्वतंत्र होती है, वो क्या करे और क्या न करे। जब मनुष्य ज्ञान से विमुख होकर गलत मार्ग का अनुसरण करने लगती है, तब उसको कष्ट होता है, उसके कर्म विकर्म हो जाते हैं, वो पाप की ओर चला जाता है, उससे पाप और पुण्य की, सत्य और असत्य की, अंधकार और प्रकाश की अविद्या हो जाती है। वो अंधकार को प्रकाश मानने लगता है, वो पाप कर्मों को ही पुण्य मानने लगता है, वो जो कुछ करता है चाहे वो कैसे भी कर्म हो उसे ही सही ठहराने लगता है। ये अज्ञान का लक्षण है। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो दई सृष्टि रचते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सृष्टि रचने का अर्थ, सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का अर्थ, मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों को पावन करना। प्रकृति क्योंकि मनुष्य के द्वारा संचालित होती है, इसलिए मनुष्य आत्माओं को पावन करना परमात्मा का मुख्य कर्तव्य होता है और वो ये अपना दिव्य कर्तव्य ज्ञान देकर करते हैं। तो यदि हम इस तरह परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को जान लेते हैं, तो वास्तव में हमारा चित्त बहुत अधिक संतुष्ट हो जाता है। हम ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने लगते हैं, हमारे अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे मन की भटकन भी समाप्त हो जाती है, हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे सत्य स्वरूप को जानने से मनुष्य आत्मा को बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है।
मुक्त अवस्था भी देह छोड़कर नहीं, लेकिन देह में रहते हुए मनुष्य जीवन जीते हुए मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हम सब पुनः परमात्मा को जाने, इस समय तो परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शास्त्र ग्रंथ जो मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं या उनके द्वारा उनकी व्याख्या की गई है, तो उनमें व्याख्या करने में एक बात विशेष रूप से आ गई है कि मनुष्य का अपना ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं उसमें मिक्सअप हो गई हैं। श्रीमद् भगवत गीता के लिए तो ये विशेष बात है, हजारों टीकाएँ गीता की हो चुकी हैं, जितने विद्वानों ने भी गीता पर भाष्य लिखे हैं उनमें उनका अपना ज्ञान, अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव मिक्स हो गए हैं। इसलिए सत्य ज्ञान कुछ चीज़ों के अंदर ढक कर लोप हो जाता है, परमात्मा को ही पुनः इस संसार में आना पड़ता है सत्य ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, और इस समय वो अपना ये दिव्य कार्य पुनः कर रहे हैं। तो आओ हम सभी उनके द्वारा ही उनको जाने और परमात्मा को जानकर ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें कि उसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। उसके द्वारा हम संपूर्ण जान लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह हम परमात्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सुख शांति के मार्ग की ओर ले चलें, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ दें और उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें। परमात्मा को जानना वास्तव में ही बहुत सूक्ष्म चीज भी है। यद्यपि परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं, परंतु सुनने वाले जो भिन्न भिन्न विचारों वाले होते हैं, जिनका अपना विवेक भी भिन्न भिन्न तरह का होता है, जिनके अपने विचार और पूर्व काल में लिया हुआ ज्ञान भी भिन्न भिन्न तरह का होता है, वो ज्ञान परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने में कहीं कहीं अवरोध पैदा कर देता है। इसलिए परमात्मा के सत्य स्वरूप को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया हो। बिना बुद्धि मन चित्त को शुद्ध किए कोई भी परमात्मा को संपूर्ण रूप से जान नहीं सकता। लेकिन एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, एक है परमात्मा का केवल परिचय ले लेना कि उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या कर्म करता है, वो इस संसार में कब आता है, उसका हम मनुष्यों से क्या संबंध है। लेकिन दूसरा है उसको संपूर्ण रूप से जानना, वो कैसा है। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को मोटे रूप से हम सब जानते हैं, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है, उसका क्या स्वभाव संस्कार है, उसकी कैसी भावनाएं हैं, उसका जीवन कैसा है, ये वही व्यक्ति जान सकते हैं जो उसके बहुत समीप रहते हों। दूसरी चीज, मनुष्यों को भी जानने के लिए दृष्टिकोण बहुत श्रेष्ठ और पॉजिटिव होना चाहिए। यदि किसी की अवगुणी दृष्टि है तो वो अच्छे व्यक्तियों में भी अवगुण देख लेता है, वो उनको संपूर्ण रूप से नहीं जान पाता। यही बात परमात्मा को जानने के बारे में भी सत्य सिद्ध होती है। जब तक किसी ने स्वयं को संपूर्ण रूप से न जाना हो, जब तक किसी ने योग के बहुत अच्छे अनुभव न किए हों, जब तक किसी ने स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित न किया हो, तब तक वो मनुष्य परमात्मा को संपूर्ण रूप से भी नहीं जान सकता। और जब कोई मनुष्य परमात्मा को संपूर्ण रूप से जान लेता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो परमात्मा के रूप में पूर्णतया निरंतर स्थित हो जाता है। उसकी बुद्धि कहीं भी भटकती नहीं, क्योंकि उससे सब कुछ एक परमात्मा से ही मिलने लगता है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य ही वास्तव में परमात्मा को जान लेता है। तो हम सभी भाग्यवान हैं कि जैसे कल्प के आदि में परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया था,
जो लोप हो गया है उसी गीता ज्ञान को परमात्मा पुनः दे रहे हैं और उनके द्वारा ही उनको जानकर हम उनसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं, अपनेपन फीलिंग कर सकते हैं। और जहाँ अपनापन होता है वहीं सच्चा प्यार होता है, उसके परमात्म प्यार को हम अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो हम सभी का आह्वान करेंगे कि मनुष्यों का प्यार भी बहुत ले लिया, देख लिया मनुष्यों का प्यार कैसा है, शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान भी लेकर देख लिया, गुरु और महान पुरुषों की समीपता भी देख ली, उनसे ज्ञान सुनकर भी बहुत कुछ अनुभव कर लिए। अब परमात्मा से ज्ञान सुन लो, अब उसके समीप आ जाओ, अब उससे अपना नाता जोड़ लो, अब उसकी श्रीमत पर चलकर देख लो, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन संपूर्णता की ओर चलने लगेगा। तो हे बुद्धिमान भाइयों और बहनों, इस समय को पहचान कर इसका फायदा उठाओ। भगवान स्वयं इस धरा पर मेहमान बनकर पुनः अपने दिव्य कार्य कर रहा है। जब हम स्वयं भी उद्वेग में नहीं आएंगे और औरों को भी उद्वेग नहीं दिलाएंगे, तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम परमात्मा के समीप आते जाएंगे और उनसे शक्तियां प्राप्त करते जाएंगे। तो आपने यह देखा कि हम ऐसी स्थिति कैसे बना सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा नंबर है 0941442386। पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले, बड़ी जतन से छ
छुपा कर नजर में हो पाले तुम्हारे याद के मोती गले की माला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी नजर का असर दिल में तुम्हें जान लिया दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा